द शमास रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रूह अफ़ज़ा लस्सी की रेसिपी। ये बहुत ही कूलेस्ट ड्रिंक है। आजकल की चिलचिलाती गर्मी में ये आपको एक अनोखा ही सुख देगी। बहुत ही यमी है, बहुत ही कूलेस्ट है ये ड्रिंक, बहुत ही इजी भी है इसे बनाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रूह अफ़ज़ा लस्सी। तो रूह अफ़ज़ा लस्सी के लिए यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब दही ले लिया है, इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। चीनी ले ली है, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और साथ ही ले लिया है रूह अफ़ज़ा। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें डालेंगे दही, और चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही डालेंगे रूह अफ़ज़ा और इन सबको ब्लेंड कर देंगे विदाउट वाटर। तो ब्लेंड कर लेते हैं। तो लस्सी को ग्राइंडर जार में घुमा के हमने इसमें बर्तन में निकाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे आइस क्यूब ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, ज़्यादा नहीं। ऑलरेडी इसकी तासीर बहुत ठंडी है क्योंकि रूह अफ़ज़ा भी है, दही भी है और चीनी भी है। अब हम लेंगे एक ग्लास और ग्लास के अंदर भी आइस क्यूब डालेंगे अगर आपको ज़्यादा ठंडी चाहिए। तो ये आइस क्यूब डाल दिए, एक दो छोटे, एक दो बड़े, कुछ ऐसे ही आइस क्यूब देखिए। और अब हम डालेंगे लस्सी। ये लस्सी हो गई तैयार। अब हम डालेंगे इस पर थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसे, रूह अफ़ज़ा। और डालेंगे इस पर थोड़े से कटे हुए नट्स। तो ये आपका रूह अफ़ज़ा लस्सी पीने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए कितनी यमी और कितनी डिलीशियस लग रही है। आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही कूलेस्ट और आजकल की जली भुनी गर्मी से राहत दिलाने के लिए बहुत अच्छा पेय पदार्थ है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।